लास्ट वीडियो में हमने ओरिएंट ग्रीन पावर लिमिटेड की बैलेंस शीट में एसेट साइड डिस्कस की थी। इस वीडियो में हम अनऑडिटेड बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं फिर कह रहा हूँ, हो सकता है आपको मेरी वीडियो क्वालिटी अच्छी ना लगे, हो सकता है वॉइस क्वालिटी भी अच्छी ना लगे, बट मैं फिर कह रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन में आपको कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हमें करंट लायबिलिटीज़ एंड नॉन करंट लायबिलिटीज़ को समझना होगा, वो हम वीडियो के लास्ट में समझेंगे। अभी हम लायबिलिटीज़ साइड की बात करते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटीज सबसे पहले आता है और उसके अंदर आते हैं इक्विटी में नंबर ए शेयर कैपिटल एंड नंबर बी अदर इक्विटी। शेयर कैपिटल 75072 लाख है और यही 31 मार्च 2020 को 75072 लाख थी, बिल्कुल सेम। अदर इक्विटी 1310 31 मार्च को थी और सेप्टेम्बर एंड अनऑडिटेड 961 लाख है। शेयर कैपिटल क्या होता है? शेयर कैपिटल इज़ द मनी जो कंपनी रेज करती है बाय इशूइंग कॉमन स्टॉक, और ये अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल चेंज होता रहता है एक समय पर जब कोई कंपनी आईपीओ के बाद एक से ज़्यादा पब्लिक ऑफरिंग लाती है तो सेल्स वुड इंक्रीज द शेयर कैपिटल ऑन इट्स बैलेंस शीट। अब लायबिलिटीज़ में नॉन करंट लायबिलिटीज़ के अंदर सबसे पहले आता है ए पॉइंट में फाइनेंशियल लायबिलिटीज़, और उसके अंदर क्या आता है? बोरोइंग्स और अदर फाइनेंशियल लायबिलिटीज़। तो बोरोइंग्स की बात करें तो फिलहाल क्या है, सितंबर एंड तक 23164, और वहीं उससे पहले क्या थी, 23287। अदर फाइनेंशियल में 4866 और उससे पहले क्या थी, 8493। प्रोविजंस की बात करें तो कितना है फिलहाल, 34, और ये सभी किस में चल रहे हैं, लैक्स में, और 31 मार्च को कितना था, यही 48। अदर नॉन करंट लायबिलिटीज़ क्या हैं? कुछ नहीं दिया हुआ, खाली छोड़ा गया है उसको। नॉन करंट लायबिलिटीज़ में बोरोइंग्स क्या दिखाता है? इसका मतलब पहले तो ये है कि कंपनी ने लोन ले रखा है बैंक से या फिर दूसरे किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, जो रीपे होगा एक लॉन्ग टर्म पीरियड में। अब ये प्रोविज़न क्या है, तो इसका क्या मतलब है, आइए एक मिनट में इसको भी हम समझते हैं और इसको कवर करते हैं। प्रोविज़न एक वो अमाउंट होता है जिसमें कंपनी प्रॉफिट्स में से एक अमाउंट निकाल कर प्रोविज़न में डाल दिया जाता है जिससे लायबिलिटीज़ को कवर किया जा सके। बढ़ते हैं करंट लायबिलिटीज़ की तरफ। फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ में फिर से पॉइंट वन आता है इसके अंडर, बोरोइंग्स, और दूसरा क्या आता है, ट्रेड पेबल्स। अब ये ट्रेड पेबल्स क्या है, जैसे एसेट साइड में क्या था, ट्रेड रिसीवेबल्स, उसको हमने डेटर्स बोल दिया था, अकाउंट रिसीवेबल्स बोल दिया था, अब यहाँ इसको बोल दो क्रेडिटर्स। जब आप 12th क्लास में अपने सीखा होगा, लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स लिखते थे और उसको हम अकाउंट पेबल्स भी बोल सकते हैं। अब बोरोइंग्स कितना है 30 सितंबर तक 210, और इससे पहले कितना था मार्च तक 2350, और ट्रेड पेबल्स 478, उससे पहले कितना था 1114, ठीक है। अदर फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ की बात करें तो 644, और इससे पहले कितना था 530 लाख। प्रोविजंस की बात करें तो 34 लाख, और इससे पहले कितना था, सेम 34 लाख। अदर करंट लायबिलिटीज़ कितनी थी, 263 लाख, ये सितंबर एंड तक की 2020 में, और 31 मार्च 2020 में 34 लाख। लायबिलिटीज़ डायरेक्टली एसोसिएटेड विद एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, इसमें कितना है, 143 फिलहाल है, और इससे पहले भी सेम था। अब टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ क्या आई, 105869, मींस एसेट इक्वल टू द लायबिलिटीज़, एसेट साइड और लायबिलिटी साइड दोनों मैच हो गई। अब हो सकता है जब ऑडिट होगा तो एग्जैक्ट आपको फिगर नहीं मिलेंगे, देख लेना, एग्जैक्ट फिगर नहीं मिलेंगे, कुछ ना कुछ चेंज जरूर मिलेगा जब इसका ऑडिट होगा कंपनी का। अगर आपने एक पॉइंट फोकस किया हो तो मैं बताना चाहूँगा कि करंट लायबिलिटीज़ में बोरोइंग्स हो या नॉन करंट लायबिलिटीज़ में, दोनों ही कम हुई हैं मार्च एंड से कंपेयर करें तो, और कंपैरिजन में पास्ट से किया जाता है कंपैरिजन, ना कि फ्यूचर से, और ये एक अच्छी बात है, उधार लिया हुआ पैसा कंपनी कम कर रही है। ट्रेड पेबल्स या कहें क्रेडिटर्स या अकाउंट पेबल्स, उसमें से अच्छे साइंस देखने को मिल रहे हैं। 1114 लाख से 478 लाख पर आना काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन दूसरी ओर अदर करंट लायबिलिटीज़ 34 लाख से 263 लाख हो गई हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने लायबिलिटीज़ कम की हैं तो दूसरी ओर बढ़ा भी दी हैं। अब लास्ट में बात करते हैं किसकी, टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ मार्च एंड तक 110415 थी और सितंबर एंड तक 105869 है। कंपनी का शेयर
1.50 से रुपीज़ 2.50 तक सिर्फ 3 महीनों में पहुंचा। लेकिन इस बिज़नेस में इसके कॉम्पिटिटर बहुत सारे हैं। कुछ शेयर तो मैंने आपको बताए थे उस टाइम पे कि मैंने बेच दिए थे क्योंकि मेरे को प्रॉफिट हो रहा था। कुछ होल्ड करके रखे जो मैंने 1.70 पर बाय किए थे। ऐसा सिर्फ इसलिए किया कि ऊपर जाता है शेयर तो मैं प्रॉफिट कमाऊंगा और थोड़ा सा नीचे गया तो नॉमिनल प्रॉफिट उठाऊंगा और मार्केट से निकल लूँगा। मीन्स रिस्क सिर्फ उतना ही लूँगा जितना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। एक सिंपल लाइन में करंट लाइबिलिटीज़ और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ को भी समझते हैं। आइए, करंट लाइबिलिटीज़ को हम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ भी कह देते हैं जो 1 साल के अंदर पे हो जाती हैं। मीन्स ड्यू एंड पेबल विद इन 1 ईयर। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ को हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ भी कह देते हैं जो एक शॉर्ट टर्म में पे नहीं किया जा सकता, इसमें टाइम लग जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो करंट लाइबिलिटीज़ के एग्जाम्पल्स है क्रेडिटर फॉर गुड्स परचेज विद क्रेडिट पीरियड लेस देन 1 ईयर। शॉर्ट टर्म लोन्स हो सकते हैं, पेमेंट लाइक वाटर, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब करंट लाइबिलिटी के एग्जाम्पल्स हैं। वहीं नॉन करंट लाइबिलिटी के एग्जाम्पल्स कौन से हैं जो एक लॉन्ग टर्म में पेबल होती है? बैंक लोन विच हैव टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर मीन्स लॉन्ग टर्म लोन, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स कन्वर्टेबल आफ्टर मोर देन 1 ईयर। जब आप रीपेमेंट करेंगे करंट लाइबिलिटीज़ का तो ये लाइबिलिटी वर्किंग कैपिटल को कम करती है बिजनेस के। दूसरी ओर नॉन करंट लाइबिलिटीज़ का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता वर्किंग कैपिटल पर, मतलब उसके बिजनेस पर नहीं पड़ता। बैलेंस शीट में ये साफ दिखाई दे रहा है कि कंपनी पर डेब्ट है अभी, लेकिन दूसरी ओर कंपनी ने लाइबिलिटीज़ को कम भी किया है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इन सभी फंडामेंटल्स को आप एक बार फिर से समझें और दोबारा समझें एक बार फिर से, और फिर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट भी डिस्कस करेंगे। इंट्राडे ट्रेडर तो यहाँ से पैसा अभी भी निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सोच समझ के। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।